गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास एट्थ सब्जेक्ट SST, चैप्टर 9 जो चैप्टर चल रहा था वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, विभिन्न प्रकार के संसाधन। तो इसमें अब आगे ये चलेगा बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, नवीकरणीय के आधार पर। पोटेंशियल रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर वंस दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड नेचुरली। तो पोटेंशियल रिन्यूएबल रिसोर्सेज, संभावित नवीकरणीय संसाधन, संभावित नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जिनको प्राकृतिक रूप से पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं, संभावित नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, सम ऑफ दीज रिसोर्सेज लाइक सनलाइट, एयर, विंड etc आर कंटिन्यूसली अवेलेबल एंड देयर क्वांटिटी इज नॉट नोटिसबली अफेक्टेड बाई ह्यूमन कंजप्शन। सम ऑफ दी रिसोर्सेज, इनमें से कुछ संसाधन जैसे सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, एयर, हवा, विंडमानी हवा ईटी इत्यादि आर कंटिन्यूसली अवेलेबल, निरंतर उपलब्ध रहती है। इनमें से कुछ संसाधन जैसे सूर्य का प्रकाश, हवा, वायु, ये निरंतर उपलब्ध होते हैं एंड देयर क्वांटिटी और उनकी मात्रा इज नॉट नोटिस अफेक्टेड बाई ह्यूमन कंजप्शन, मनुष्य के उपभोग से प्रभावित नहीं होती है। दो मैनी रिन्यूएबल रिसोर्सेज डू नॉट सच ए रैपिड रिकवरी रेट, दो मन यद्यपि मैनी रिन्यूएबल रिसोर्सेज अनेक नवीकरणीय संसाधन, यद्यपि अनेक नवीकरणीय संसाधन डू नॉट हैव सच ए रैपिड रिकवरी रेट कि उनकी इस तरह से मतलब जल्दी ठीक होने की दर इस प्रकार नहीं है। अब आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अनवीकरणीय संसाधन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दैट फ्रॉम एक्सट्रीमली स्लोली एंड दोज दैट डू नॉट नेचुरली फ्रॉम इन द एनवायरमेंट। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन दैट फ्रॉम एक्सट्रीमली जो विशेष रूप से स्लोली धीमे धीमे बढ़ते हैं एंड दोज डू नॉट नेचुरली फॉर्म इन द पर्यावरण में, वो प्राकृतिक रूप में नहीं, पर्यावरण में वे प्राकृतिक रूप में नहीं पाए जाते हैं। मिनरल्स आर द मोस्ट कॉमन रिसोर्सेज इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी, मिनरल्स माने खनिज, जो खनिज पदार्थ होते हैं वो इस कैटेगरी में सबसे कॉमन संसाधन माने जाते हैं। द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड डायरेक्टली, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज अनवीकरणीय संसाधन कैन बी यूज डायरेक्टली, वो प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लर्निंग ऑल टू कुक, खाना पकाने के लिए गैस का प्रयोग करना। मैन मेड रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, मनुष्य निर्मित संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। मैन मेड रिसोर्सेज आर डिफाइंड एज दीज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सर्विसेज, फैसिलिटीज एंड एक्टिविटीज फॉर विच मैन इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल। मैन मेड रिसोर्सेज, मानव निर्मित संसाधन आर डिफाइंड, परिभाषित किए जा सकते हैं एज दीज कैरेक्टर, उनकी विशेषताओं के आधार पर, एंड सर्विस उनकी सेवाएं, फैसिलिटीज सुविधाएं, एंड एक्टिविटी फॉर विच मैन और मनुष्य के क्रियाकलाप विच डायरेक्टर जो उसके लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होती हैं, उत्तरदायी होती हैं। ह्यूमन बींग्स यूज देयर नॉलेज एंड स्किल्स टू डेवलप टेक्नोलॉजी टू कन्वर्ट द नेचुरल रिसोर्सेज इन टू यूजफुल प्रोडक्ट। तो इसमें कह रहा है कि ह्यूमन बींग्स, मानव प्राणी, यूज देयर नॉलेज, अपने ज्ञान को प्रयोग करता है, एंड स्किल्स अपने कौशल का, मानव प्राणी अपने ज्ञान एवं कौशल का प्रयोग टू डेवलप टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का विकास करने के लिए प्रयोग करता है, टू कन्वर्ट द नेचुरल रिसोर्सेज और प्राकृतिक संसाधनों को उपयोगी पदार्थों में बदलने के लिए उसका प्रयोग करता है। एग्जाम्पल दे डेवलप रोड्स, बिल्डिंग, मशीनरी एंड व्हीकल्स, वे डेवलप रोड में सड़कें, बिल्डिंग्स इमारतें, मशीनरी एंड व्हीकल्स और वाहनों को उसमें अच्छे अच्छे चीज़ों में बदल देते हैं अपने ज्ञान एवं कौशल के द्वारा। वे सड़क, इमारतें, मशीनरी और व्हीकल्स के द्वारा अनेक चीज़ों को बदल लेते हैं। अब आता है ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन, ह्यूमंस हैव द एबिलिटी टू थिंक, लिसन एंड इम्प्लीमेंट। ह्यूमंस हैव, मानव के पास एबिलिटी, क्षमता होती है टू थिंक, सुन समझ सोचने, थिंक माने सोचने, लिसन सुनने एंड इम्प्लीमेंट और उसे लागू करने की, मानव के पास सोचने सुनने और उसे लागू करने की क्षमता होती है। दे आर कैपेबल ऑफ मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज थ्रू देयर नॉलेज, स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी।
वे समर्थ होते हैं टू मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ प्राकृतिक संसाधनों का, वे प्राकृतिक संसाधनों का अच्छे से अच्छा प्रयोग करने में समर्थ होते हैं। देयर नो अपने ज्ञान कौशल और प्रौद्योगिकी के द्वारा, वे अपने ज्ञान कौशल एवं प्रौद्योगिकी के द्वारा उनका अच्छे से अच्छा प्रयोग करने में समर्थ होते हैं। द एड्स लाइक एजुकेशन एंड गुड हेल्थ हैव डेवलप्ड मैन बींग्स टू बिकम ए वैल्यूएबल रिसोर्सेज। द एड्स जैसे शिक्षा एंड गुड हेल्थ अच्छा स्वास्थ्य हैव डेवलप्ड ह्यूमन बींग्स मानव प्राणी को विकसित करता है टू बिकम ए वैल्यूएबल रिसोर्सेज उपयोगी संसाधनों का प्रयोग करने में। ओनली ह्यूमन बींग्स कैन मेड यूनिक डिस्कवरीज डेवलप एंड कन्वर्ट द अवेलेबल रिसोर्सेज इन टू यूजफुल प्रोडक्ट और वेल्थ। ओनली ह्यूमन बींग्स केवल मानव प्राणी ही ऐसा होता है, केवल मानव प्राणी ही ऐसा होता है जो विशेष डिस्कवरी खोज कर सकता है, डेवलप विकास कर सकता है एंड कन्वर्ट द अवेलेबल रिसोर्सेज और उपलब्ध संसाधनों को बदल सकता है इन टू यूजफुल प्रोडक्ट उपयोगी उत्पादों में और वेल्थ और धन में। केवल मानव प्राणी ही एक ऐसा प्राणी है जो विशेष खोज कर सकता है, डेवलप विकास कर सकता है और उपलब्ध संसाधनों को उपयोगी पदार्थों एवं धन में बदल सकता है, उनको उनमें उसमें कन्वर्ट कर सकता है। ओके, इससे आगे हम फिर पढ़ाएंगे। थैंक्स।